My dear Maria. अभी अभी दीपावली का पावन पर्व पूरा हुआ है और दिल्ली वालियों के लिए तो दो दिवाली आई है। और इसलिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बताया गया कि आप सब मेरा अभिवादन करने के लिए यहाँ आए हैं। हकीकत यह है कि मुझे आपका अभिवादन करना चाहिए और मुझे आपका अभिवादन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप में से अनेकों का जन्म ही जिसे गैरकानूनी कहा जाता है ऐसी कॉलोनी में हुआ। पूरा बचपन उसी मुसीबतों से गुजारा, जीवन के सपने देखने का समय आया तब भी तलवार लटकती रहती थी, यार पता नहीं क्या होगा, कब कौन आ धमकेगा, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, गुजारा कैसे करेंगे। दशकों के बाद दशक बीतते चले गए लेकिन आप उस मुसीबत से मुक्ति नहीं पा पाए। आपकी हर सरकारों से आशा रही, हर व्यवस्था से आशा रही लेकिन आपको कभी परिणाम नहीं मिला। इस सारी प्रक्रिया को आप सोचिए कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, जा रहे हो और कोई आके कहे कि ये तो मेरी सीट रिजर्व है, आप कहोगे नहीं भाई ऐसा नहीं, मुझे वो टीटी ने बिठाया है। क्या आपकी यात्रा लगातार प्रेशर में रहेगी कि नहीं रहेगी, यार पता नहीं कब उठाएगा कब जाना पड़ेगा। इन सब के बावजूद भी आपने धैर्य नहीं खोया। कभी कोई ऐसा आंदोलन जो हिंसक हो जाए ये रास्ता नहीं अपनाया। आपने हो सके वहां तक जो भी सरकार और व्यवस्थाएं थी उससे सहयोग करने का प्रयास किया और प्रयास करके आपने इसी इंतजार में अब जो होगा सो होगा। प्रयास पहले भी हुए लेकिन आधे अधूरे हुए, राजनीतिक गणित से हुए, ये करेंगे तो वोट बैंक संभलेगी, ये नहीं करेंगे तो वोट बैंक नहीं संभलेगी, इसी के इर्द गिर्द और हर चुनाव में इस इश्यू को उठाना उछालना। जो जोर से बोलता था तो आपके लोग उसकी तरफ लुढ़क जाते थे, हाँ यार साहब ये कर देगा, होने के बाद वो आपको भूल जाता था। यही क्रम चला और जैसा हरदीप जी ने कहा कि भारत विभाजन का भयंकर सदमा झेल करके लाखों परिवार आकर के इन जगह पे बसे थे, उनकी तो मुसीबत यह थी कि भाई आवाज भी कैसे उठाए वरना फिर से एक बार उजड़ जाएंगे। और इसलिए तो उनका तो आवाज ही एक प्रकार से खत्म हो चुकी थी।
ये सरकार जब 2014 में बनी, तब से हम इसके कोई ऐसे रास्ते खोज रहे थे। कुछ आशा थी कि स्थानीय जो सरकारें हैं वो भी कुछ जिम्मेवारी उठाएगी, लेकिन सारे प्रयास, सारे प्रयोग कहीं न कहीं उलझते रहे। आखिरकार ये तय किया कि कोई करे या न करे, हम इसे किए बिना रह नहीं सकते। कोई जिम्मेवारी उठाए न उठाए, हम गैर जिम्मेवार नहीं बन सकते हैं। सरकार में से जितने भी अफसर देने पड़ेंगे देंगे, सर्वे करने के लिए जितने लोगों को लगाना पड़ेगा लगाएंगे, भारत सरकार पूरी जिम्मेवारी के साथ इस काम को पूर्ण करेगी। हमने पूरे क्षेत्र के लिए नीति बनाई। उस नीति बनाने से पहले भी आपके सभी सांसदों के साथ विस्तार से चर्चा की, उसकी हर बारीकी की चर्चा की। आपके सांसदों को वहां स्थान पे जाकर के सर्वे करने के लिए कहा, जाके देख के आओ भाई, जो बताया जाता है वैसा है या नहीं है। आपके जो एमएलए हैं उनको लगाया, जो आपके भूतपूर्व एमएलए हैं उनको लगाया, कुछ कॉरपोरेटरों को जोड़ा। एक प्रकार से सरकारी व्यवस्था के सिवाय भी भारतीय जनता पार्टी के सभी जिम्मेवार इस नीति बनाने में बहुत सक्रिय रहे, नीचे से जानकारी लेकर के आते रहे। लेकिन एक मंत्र मैं सबको बताता था कि नीति वो बनेगी जिसका आत्मा यही होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस आत्मा को केंद्र में रख के ही नीति बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि इस धर्म के लोग हैं तो उनको तो फायदा मिलेगा, उस धर्म वालों को नहीं मिलेगा। ये बीजेपी को वोट मिलते हैं उस कॉलोनी में तो लाभ मिलेगा, बीजेपी को कभी वोट नहीं मिलता है वहां नहीं मिलेगा, ये नहीं चलेगा। और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, एमपीज ने, एमएलए ने, कॉरपोरेटर ने और सरकारी अधिकारियों ने भी मेरे इस मंत्र को रत्ती भर भी खरोच नहीं आने दी। गौर भाजपा की गौर विरोधी कोई कॉलोनी होगी, पिछले 70 साल में हमको एक वोट नहीं मिला होगा, लेकिन इस नीति के अंतर्गत भी अगर हकदार है उसको उसका हक दिया जाएगा। और वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, ऐसे कोई भेदभाव को इस नीति को लागू करने में कहीं पर भी स्थान नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास का मतलब यही है। और इसलिए यानी कोई ऐसा भी होगा कि इस नीति का विरोध करने के लिए कल जुलूस निकालेगा तो भी अगर वो हकदार होगा तो उसको फायदा मिलेगा। क्योंकि ये पूरी दिल्ली का भाग्य बदलना है ये, और दिल्ली का भाग्य बदले बिना हिंदुस्तान का भाग्य नहीं बदलता है। दूसरा, आपने देखा है आजाद देश हुआ तब से लेकर के, भारत विभाजन से बात कर तक, हमारे यहां एक ऐसी राजनीतिक कल्चर बन गया, एक ऐसी परंपरा विकसित हो गई जिसमें
लटकाना, अटकाना और भटकाना। कोई निर्णय करना ही नहीं, लटकाए रखो। कोई आके करेगा, देखेंगे, और मीठी मीठी बातें करना, बहुत बढ़िया, आइए आइए, नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए ये कैसे लोग हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करना। और मानो होता है लेकिन लगता है कि वो कर रहा है, तो फिर अटकाना, होने नहीं देंगे, कोर्ट में जाएंगे, स्टे ले आएंगे, फलाना करेंगे, ढिकना करेंगे, और दोनों में कोई हैसियत नहीं है तो फिर भटना, भटकाना। कोई उटपटांग चीज ऐसी करता रहे ना कि सारा मामला ही भटक जाए। और आजादी के बाद आप देखिए इसी के चलते कैसे कैसे परिणाम आए हैं। अनिश्चितता, जीवन में अनिश्चितता सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपको मालूम है कि आपको ट्रेन में जाना है, टिकट है, रिजर्वेशन है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और बस 5 मिनट में ट्रेन आने वाली है, और अनाउंसमेंट हो जाए कि ट्रेन लेट हो गई है, पता नहीं कब आएगी। अब आप मुझे बताइए वो समय कैसा जाता है आपका? बहुत मुश्किल अनुभव होता है, क्योंकि पता नहीं भी, मैं प्लेटफॉर्म पर आ गई हूं, पता नहीं कब आएगी ट्रेन, कब आएगी, कब जाएंगे, कब आएगी। अनिश्चितता मनुष्य के जीवन को घेर लेती है। देश आजाद हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि एक टेम्पररी 370 का बोर्ड लटकाया गया था। धारा 370 के नाम पर ऐसी स्थिति बनाई थी, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं होता था कि ये दिल्ली हमारे लिए कुछ करेगी कि नहीं करेगी। ये अनिश्चितता, ये दुविधा, उसको समाप्त करना भी, ये काम भी मेरे ही नसीब में था। आप देखिए, तीन तलाक, आप उस मुस्लिम मां बेटी की का सोचिए, उसका क्या होता होगा कि जब ये तीन तलाक की तलवार लटकती रहती है तो उसको हमेशा डर रहता है कि सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया है तो पता नहीं मुझे निकाल ना दे। यानी उसके जीवन में कितना टेंशन रहता होगा। और उस बाप का विचार कीजिए जिसने बड़े उत्साह और उमंग के साथ अपनी बेटी शादी करके विदाई दी है, उसको डर रहता था कहीं बेटी घर तो वापस नहीं आएगी। उस मां की कल्पना कीजिए, उस भाई की कल्पना कीजिए जिसको लगता होगा मेरी बहन कहीं वापस तो नहीं आ जाएगी। यानी एक प्रकार से पूरा समाज बेचैनी से जिंदगी गुजार रहा था। हमने उस अवस्था को भी खत्म किया, निश्चितता तय की। उसी प्रकार से आपके लिए भी था, पता नहीं कब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाएगा, कब और दबाव अफसर आ जाएंगे, पता नहीं कब गिरा देंगे। घर में बेटा बड़ा हुआ है, शादी होने वाली है, ऊपर एक कमरा छोटा सा ठीक करना है, पता नहीं करने जाएंगे तो मुसीबत ना आ जाए। ये अनिश्चितता की जिंदगी बहुत कठिन थी। हर अनिश्चितताओं को समाप्त करते हुए मक्कमता के साथ जनता की भलाई के लिए निर्णय लेने के हमने निर्णय किए। अभी आपने देखा होगा परसों हमने एक निर्णय किया, छोटा निर्णय नहीं है। हमारे यहां मध्यम वर्ग के परिवार का व्यक्ति या गरीब भी, जीवन में सबसे बड़ी इच्छा क्या रहती है? आप 100 लोगों को पूछ लीजिए, वो कहेगा कि भाई खुद का घर हो, बस ये इच्छा है, खुद का घर हो ये इच्छा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि फिर आने वाली सारी पीढ़ियां उस छत के नीचे अपना गुजारा कर लेगी। खुद की छत हो, खुद का घर हो, ये हर इंसान की इच्छा होती है। मध्यम वर्ग का परिवार बड़ी मेहनत करके पैसे
बचा बचा करके सोचे कि चलो रिटायर होने से पहले या बच्चे बड़े होंगे शादी से पहले एक मकान बनवा लूँ, और वो बढ़िया सा स्कीम बढ़िया सा ब्रोचर देख करके फोटो बड़ी शानदार हो, ऐसी टाइल्स है, ऐसा मार्बल है, ऐसी खिड़की है, ऐसा झूमर लटका होगा, ऐसे भांति भांति का बड़ा पढ़ करके वो पैसे दे देता है। और बस पैसे भी गए, मकान भी नहीं आ रहा है, किराए पर मकान में किराया दे रहा है, बैंक से पैसा ले रहा है, ब्याज दे रहा है, मकान मिल नहीं रहा है। पांच पांच दस दस साल से ऐसी योजनाएं, कोई 60% पूरी हुई है, कोई 70% पूरी हुई है, कोई 80% पूरी हुई है, मकान नहीं मिल रहा है। हमारे देश में सिर्फ महत्वपूर्ण शहरों में 4.5 लाख मकान ऐसे हैं जो किसी न किसी परिवार के पैसों से बने, हक है उसका, लेकिन 10% 20% काम अटका हुआ है और 5-5 साल से अटका हुआ है। न उसे मकान मिला है, न पैसे वापस मिल रहे हैं, न उसका ब्याज कम हो रहा है, न उसका किराया कम हो रहा है। आखिरकार परसों सरकार ने एक योजना बनाई, करीब 25-30 हजार करोड़ रुपया लगा करके ये 4.5 लाख लोग जिनके परिवार को आज जिंदगी अनिश्चितता में जीनी पड़ रही है, उनके जो मकान तय है उसमें 10% 20% काम है, वो काम पूरा करवा दिया जाएगा। मकान उस मध्यम वर्ग के परिवार को वो मकान दे दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्णय वो नीतियां वयो जो समाज के समस्याओं का समाधान करे, उनको संकटों से मुक्ति दिलाए, और एक बार अगर जीवन में उसको निश्चिंतता मिल जाती है तो उसको लगता है मैं भी कुछ करूंगा। कोई कल्पना कर सकता है कि कोई ये हिम्मत करे निर्णय करने की 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका खुद का अपना घर ना हो। बहुत बड़ा फैसला लिया है, अरबों खरबों रुपए लग रहे हैं, करोड़ों करोड़ों घर बन रहे हैं, और गरीब को जब छत मिल जाती है ना, फिर उसकी जिंदगी की सोच भी बदल जाती है। फिर उसको लगता है कि अब घर मिला है तो चलो दो चेयर ले आए, पैसे थोड़े बचा लेंगे, खटिया जरा अच्छी ले आए, फिर लगता है नहीं एक खिड़की पर कोई थोड़ा पर्दा वर्दा लगा दें, फिर लगता है कि नहीं नहीं घर में शीशा नहीं है, यानी फिर बचत करना पैसे, जिंदगी का बदलाव शुरू हो जाता है। और फिर उसको भी मन करता है कि बगल वाला है, जब फिर धीरे धीरे सोचेगा अब साइकिल नहीं स्कूटर ले आएंगे। इच्छाएं जगती है तभी तो प्रगति होती है जी। और फिर सोचेगा अब बहुत हो गया, चलिए अब इस मकान को बेचते हैं और एक ज्यादा 2 कमरे वाला है 3 कमरे वाला कर लेंगे। मनुष्य का प्रगति ऐसे ही होती है, कहीं ना कहीं बीज बोना पड़ता है, उसकी जिंदगी को बदल देता है। और आज ये सरकार एक तरफ विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रही है, दूसरी तरफ ऐसे भी बीज बो रहे हैं कि आपकी घर में जो आज बच्चे हैं वो बड़े होंगे, उसके पहले फल खाना शुरू कर दें। और इसलिए ये जो पीएम उदय योजना है, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप स्वयं जो भी कॉलोनी हो, समझदार लोग एक टोली बनाइए, टोली बना करके सारे कामों को आप ही जिम्मे लीजिए और सरकार की मदद कीजिए। जितनी तेजी से आप कदम मदद करेंगे आपको फायदा होगा। और मैं आपको बता रहा हूं मेरा काम करने का तरीका कैसा है, और शायद कईयों के लिए बड़ा आश्चर्य होगा। ये गुजरात में भूकंप आया 2001 में, तो भूकंप के अंदर हजारों घर खत्म हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, स्कूलें अस्पताल सब तबाह हो गया था। अब उसके बाद वहां मुझे मुख्यमंत्री के नाते जाना पड़ा, तो मैंने वहां काम शुरू किया, तो लोग शिकायत करने लगे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ढिकना नहीं मिला। अब हजारों की तादाद में शिकायतें आने लगी,
सरकार कुछ भी कहे, अफसर कुछ भी कहे, लेकिन उसके मन में रहता है मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। और मनुष्य का भी स्वभाव मिलता रहता है कि मंदिर में जाए, मंदिर में अभी भी भाषण सुना हो कि सच बोलो सच करो, फिर भी प्रसाद लेगा यूं करके फिर दूसरा रख देगा, मनुष्य का स्वभाव है। वाह, तो मिल जाने के बाद उसका मन करता है कुछ और ले लूं, तो फिर नियम तोड़ने की मन कर जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो मैंने गुजरात हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप मेरे लिए एक जज दे दीजिए और उस जज की एक कोर्ट बिठा दीजिए कच्छ में। और मैंने लोगों से कहा कि आपको जो मिलने के लिए सरकार ने इतनी इतनी घोषणा की है कि भाई ऐसा है तो 50,000 मिलेगा, ऐसा है तो 1,00,000 मिलेगा, ऐसा है तो ये मिलेगा, ऐसा है तो ये लिखित है सब, आपको लगता है इसके बाद भी आपको न्याय होता है तो आप अपनी चीजें लेके उस कोर्ट में चले जाइए और उस कोर्ट में सरकार का कोई वकील नहीं होगा, सरकार की तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। आप जाइए उस जज के सामने रखिए और जज देखेगा कि भाई नियम के अंदर आता है और जज जो निर्णय करेगा हम मान लेंगे, हम कोई वकालत आपके विरुद्ध में खड़े ही नहीं होंगे। आप हैरान हो जाएंगे, करीब 33,000 मामले उसी प्रकार से निपटा दिए थे, सरकार ने एक आर्ग्यूमेंट नहीं किया। यहां भी मैं चाहूंगा कि आप ऐसा काम कीजिए कि बाद में कोई विवाद न रहे, उदय यानी सच्चे अर्थ में उदय शुरू हो जाना चाहिए। ये पीएम उदय योजना है ने दिल्ली के एक प्रकार से पूरे जीवन के नए उदय का प्रारंभ है, ये ऐसी ये पीएम उदय योजना है। और इसलिए आप स्वयं सक्रिय होकर के उसके नियमों को बराबर पढ़ करके इसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं इसकी चिंता कीजिए। इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी आबादी, और दूसरा अगर आप आज नहीं तो 4 महीना 6 महीना 8 महीने के बाद अगर कॉलोनी के लोग मिलकर के तय करेंगे तो आज जहां रहते हैं वो सारा तोड़ करके बहुत बढ़िया उत्तम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। आप जहां रहते हैं उससे ज़्यादा जगह भी मिल सकती है और बच्चों के लिए हमें बाग बगीचे सब उसी जगह पे बन सकता है। दिल्ली तो हफाजड़ है, उसके कारण से बर्बादी है जी, वरना ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप उसको जुड़िए और आपको अपना जीवन तो बदलना है, अब दिल्ली का जीवन भी बदलना है और इसके लिए आपने मुझे साथ देना है। बाकी इस योजना का विस्तार तो काफी कुछ चर्चा हो चुकी है, आप लोग आए, आपकी खुशी में मुझे शरीक होने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं विशेष रूप से हमारे जितने लोग चुन करके आए हैं उनको भी बधाई देता हूं, क्योंकि जी जान से वो लगे रहे, वरना थक जाते भाई, इतने सालों से किसी ने नहीं किया, मोदी क्या करने वाला है, तो कोई नहीं आता, लेकिन ये आते थे, ये करो वो करो पीछा करते थे। मैं हरदीप जी और उनकी टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने जी जान से इस काम को पूरा करने के लिए बारीक से बारीक चीजों को संभालने का काम किया है। अब जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होगी, कानून पारित हो जाएगा, कानून पारित होते ही ये आपके यहां लागू कर दिया जाएगा। तो मैं फिर एक बार आपको आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अब आप अपने परिवार को सही रास्ते पर, बच्चों का विकास हो, पढ़ाई लिखाई हो और जिंदगी मौत से जिए, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।